और जी कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग खाने वगैरह से फारिग हुए हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको आई थिंक ये वैनिटी दिखाई तो थी वीडियोस में, ये वो कि मैंने बनवाई है, और इसके मैंने जब जनाब इसकी सेटिंग स्टार्ट की ना, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, मुझे ना ये वाली सेक्शनिंग भी इसके अंदर करवानी है, तो ये फिर बाद में करवाई है अभी। और ये रात को मैंने पूरी, कहते हैं ना कि मैंने 3 बजे रात को ये पूरे ड्रॉर्स जो थे अपने शूटिंग के हिसाब से करके, तो मैं लेटी हूँ। तो अभी फिर मैं आई हूँ, काम वगैरह मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा दूसरे रूम में जो ड्रेसेस हैं, बल्कि मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ 1 मिनट। हाँ जी, रूम की आप हालत देख सकती हैं, ये आप ड्रेसेस की ज़रा हालत चेक करें। मैंने ये 1-2 दिन पहले उतारे थे, मैंने कहा था एक दफ़ा सेट करके ना सारे रखूँ, और बस ये आप हाल देख लें कसम से। इसीलिए ना मैं वो कोई मेकअप की वीडियो नहीं ले रही आगे, मुझे जो जो कह रहा है प्लीज़, मैं अभी बिल्कुल कोई वीडियो नहीं कर सकती आगे, ठीक है। अभी कुछ दिन और मुझे लगेंगे सारी सेटिंग करने में। अभी मुझे नहीं समझ आती दोबारा से हर चीज़ क्यों ख़राब हो जाती है, मतलब थोड़ा सा कोई काम रह जाता है वो करने के लिए आते हैं कारपेंटर वगैरह, तो फिर ये याद हो जाता है। बहरहाल देखें कब ये सारा सेट होगा। और ये कल मैंने अपने जो मेन इधर शूटिंग करती हूँ जिस रूम में नीचे बेसमेंट में, इसके मैंने ये कर्टन्स कल न्यू लगवाए हैं। क्यों? क्योंकि पूरी जो इसकी वॉल्स है ना रूम्स की, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी ये ना बिल्कुल वाइट है, क्योंकि मुझे शूटिंग के लिए चाहिए भी थी वाइट। तो वाइट कई जगहों पे ये होता है कि आपको वाइट में मतलब सही प्रोमिनेंट नहीं होती चीज़, या को ना कलर थोड़ा कंट्रास्ट में मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने ये न्यू कर्टन्स जो है ये कल ही आके फिट करके गए हैं इस तरह से, जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, या भी मेरा दिल था वाइट बट मुझे काम के हिसाब से चाहिए थे। अच्छा, जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, एक तो अनबॉक्सिंग भी करनी है, और दूसरा मैं कर रही थी जनाब FW ऑर्गेनिक्स की, मैंने ये फेशियल किट आई थी और आप लोगों को कहा था रिव्यू करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब मैं थी जनाब अपने 4th स्टेप के ऊपर, मैंने फेस के ऊपर लगाया है ये मास्क, क्योंकि इसके बाद ना मुझे यूट्यूब की 1-2 वीडियो शूट करनी है, क्योंकि वो मेकअप की नहीं है, 1-2 टॉपिक्स थे जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो टॉपिक्स जो है वो अभी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेकअप की वीडियोज़ या वो स्टार्ट हो जाए तो फिर मेरा दिल भी करता है कि आप लोगों के साथ बातें करूँ सारी, लेकिन मैं कर नहीं सकती। अभी जनाब मैं FW ऑर्गेनिक्स की ये वाली जो फेशियल है, और ऑर्गेनिक्स में ना दा बेस्ट फेशियल है, बहुत इनकी ऑफ चल रही होती हैं, ठीक है, जो डिस्काउंट्स ऑफर्स होती हैं, और जो सबसे मज़े की बात है जनाब, अब इन्होंने स्टेप्स में सारी कर दी है, वो आपके लिए इजी रहेगी। ये जिस तरह मैंने सबसे पहले, अच्छा, ये क्लिनजिंग मिल्क यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने एप्रीकॉट स्क्रब लगाया है, ठीक है। मसाज क्रीम बिल्कुल मैंने हल्की सी लगाई है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैंने अनबॉक्सिंग करनी है, और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद ना मुझे एक यूट्यूब की वीडियो, बल्कि 2 शूट करनी है, एक अपने व्लॉग के लिए, वो भी आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हमें फेशियल हेयर के लिए जो ये बरल जो क्वेश्चन थे मेरा दिल है उसमें वो आप लोगों को क्लियर करूँ, और दूसरा मेन चैनल के लिए जनाब एक है वो इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, इसके बाद अभी मैंने ये अप्लाई किया है ये, अच्छा जी, अम्मी के अंदर कॉल आ गई थी, मैंने भी अप्लाई किया है ये FW ऑर्गेनिक्स का मिनरल क्ले मास्क फेस के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी थोड़ी सी ये वाली जेल, बहुत कम, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इतनी स्किन है, लेकिन इससे ना, अच्छा, इस का मज़े की बात यह है कि स्किन आपकी मॉइस्चराइज भी हो जाती है और ऑयली भी नहीं होती। और साथ उसके बाद मैंने ये लगाना है प्योर हाइलोरॉनिक एसिड सीरम है, आप लोग ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा, हल्का हल्का से वेट अगर आपकी स्किन है ना, तो उसके बाद आपने इसे यूज़ करना है थोड़ी सी इसकी, बिल्कुल ये प्योर, क्योंकि है के लिए वो भी आप लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे कि हमें फेशियल हेयर के लिए जो ये बरल जो क्वेश्चन थे मेरा दिल है उसमें वो आप लोगों को क्लियर करूं, और दूसरा मेन चैनल के लिए जनाब एक है वो इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, इसके बाद अभी मैंने ये अप्लाई किया है ये बरल, तो थोड़ा सा आपको थिक लगता है अप्लाई किए हुए, अप्लाई करते हुए तो थोड़ा सा वेट अगर स्किन करके कर लेते हैं ना तो वो जबरदस्त रहती है। ये जनाब मैंने सीरम अप्लाई करना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, 2 से इसके 3 ड्रॉप्स भी बहुत होते हैं डेली। और उसके बाद जनाब मैंने थोड़ा सा अपनी वीडियो की प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट की, और इंशाल्लाह कल जो है दोनों चैनल्स के ऊपर ना आप लोग वीडियो देखेंगे। बाकी मैंने पेज टैग कर दिया, ठीक है, FW ऑर्गेनिक्स का आपने ज़रूर जाना है, और ये वाला फेशियल लीजिएगा और मेरे साथ। अच्छा जी, फेस को मैंने वॉश कर लिया और इस वक्त स्किन के ऊपर मेरे कुछ नहीं है, लिप्स को मैंने मॉइस्चराइज़ किया सिवाय एक फ़िल्टर के, और फिल्टर आजकल मेरी स्किन के ऊपर बड़ा ज़रूरी हुआ है, सही मैं बताऊँ वैसे। अच्छा, इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये FW ऑर्गेनिक का हाइलोरॉनिक एसिड सीरम है, अगर आपकी भी रिंकल्स आ रही हैं 30+ हो गया तो इसे ज़रूर ही लेके वैसे ना अभी यूज़ करना स्टार्ट कर दें। लाइट सा मैं वेट करूंगी अपनी स्किन को, उस पर भी अप्लाई कर सकती हैं, और 2 से 3 ड्रॉप्स आपने डेली अप्लाई करने हैं, और मेरे लिए बाद में दुआ आपने करनी है कि ये जो मेरे वाइट रूट्स आ रहे हैं ना
ये मैं किसी तरह कलर कर लूं क्योंकि इसका भी टाइम नहीं मिल रहा। टाइम ऐसे मिल जाता है, काम खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बंदा इतना थक जाता है कि हिम्मत ही नहीं होती मेरा कोई काम करने को, मतलब अपना कुछ करने को। और अभी यकीन करें मुझे याद आया है कि मेरे घर में परसों दावत है पूरी फैमिली की, और मुझे अपने ये वाइट रूट्स देख कर सिर्फ ये याद आया है कि मैंने अपना भी कुछ कुछ करना है। मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने अपना भी कुछ करना है, तो दुआ करें मेरे लिए।